तो भैया हम काजा में रुके हैं सरकारी गेस्ट हाउस में जो हमें राकेश भैया ने दिलाया। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं किम लांगजा ये सब जगह। फिलहाल बारिश का मौसम है लेकिन हम लोग रिस्क है तो इसके वाले लॉजिक पे चल रहे, क्या ही किया जाए। वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप में अभी हम खड़े हैं। आंधी तूफान शुरू हो चुका है भैया जी, ऊपर का मौसम देखिए काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा हो गया है कि हम सत्या सागर हो गए, जहाँ भी जा रहे हैं बारिश लेके जा रहे हैं। और अभी हम लोग शायद 17,000 फीट पे जा रहे हैं। 499 का दे दीजिए, 101.24। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप में हमने तेल ले लिया लेकिन ज्यादा लिए, कराने का तो फुल कराना था लेकिन यहाँ महंगा है 101। हम कल मनाली पहुँच जाएंगे, कल तो नहीं परसों। तो मनाली पहुँचने के बाद हमें सस्ता मिलेगा। बाकी मौसम पूरा टाइट है, हवा का बहाव बहुत तेज, खूबसूरती आधे घंटे में ही बदल गई। पहले का खूबसूरती कुछ और था क्योंकि नीले आसमान, व्हाइट क्लाउड और ये खूबसूरत से पहाड़ जिसपे हल्के हल्के धूप पड़ रहे थे। और अभी जस्ट उल्टा हो गया, अभी काले आसमान, पहाड़ तो सेमी है बस धूप नहीं पड़ रहा। बाकी तो मजे है। काजा लांगजा रोड, लांगजा विलेज सीधे है, काजा तो पीछे ही था जहाँ से हमारा है, कोमे किधर है। लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आगे सड़क बंद है, इस मार्ग का प्रयोग करें। लेकिन आगे से गाड़ियां तो आ रही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़नी शुरू हो गई है, ठंडा का एहसास अभी हो गया। काजा से हम लोग 3 किलोमीटर ही आए होंगे और हाथ मेरा अभी भी पूरा ठंडा हो गया। भाई ये ट्रक से निकल जाए पहले तो, नहीं तो मुझे ये धूल मिट्टी चटा के रहेगा। उस वाले पॉइंट में हल्का सा ब्लू स्काई दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम यूनिक सा व्यू है वो तो। भाई ठंडा तो उतना ज्यादा नहीं लग रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो वाइजर पूरा व्हाइट हो गया, फोगी फोगी। बातें थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। भाई हाथ तो धीरे धीरे ठंडा ही होते जा रहा है, धूल देख रहा हूँ। अरे हाथ में जब इतना धूल है, जैकेट में इतना धूल है, तो लेंस में भी तो धूल हुआ पड़ा होगा। मजा ऐसा लग रहा है, बताए RS 200 मेरा बाइक को बोल रहा होगा, तो हाल दिल का उधर हो रहा है, हो हाल दिल का इधर हो रहा। क्या चीज है ये, गधे हैं, घोड़े हैं, क्या चीज है? घोड़ा है। देख के तो लग रहा है कि इधर भी बहुत जल्दी ही रोड बनने वाला है, मतलब जब तक आप आओगे तब तक ये रोड बन चुका होगा। हिक्किम ओमिक उस साइड में है और सीधे हम जा रहे हैं लांगजा विलेज की ओर। हम पहुंच चुके हैं बुद्धा स्टेच्यू ऑफ लांगजा। 14,300 फीट की ऊंचाई में अभी हम नहीं है, हम लोग 14,300 फीट की ऊंचाई में खड़े हैं अभी। जी हाँ, 13,000 कुछ था, जाइए जाके पढ़िए। 14,300 फीट की ऊंचाई में हम खड़े हैं, मुझे लग रहा था 13,000 है लेकिन नहीं भैया जी, बुद्धा स्टेच्यू ऑफ लांगजा 35 फीट। और पीछे का व्यू शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस खूबसूरत से जगह को बाय बाय कहने का टाइम आ गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा एल्टीट्यूड है और हमें कोमिक और हिक्किम भी तो जाना है। चाय की बिस्की विद एम जैकेट। यस भाई, ग्लास ना फोड़ देना, आपका फट गया हल्का सा, यहाँ के लोग हमें फोड़ देंगे। मौसम तो बहुत ही ज्यादा खराब है, हम रुके हैं क्योंकि हिक्किम उस वाले रोड से और कोमिक इस वाले रोड से। ठंडा तो भाई बहुत ही तेज हो गया, लग ही नहीं रहा है कि आज पूरा दिन हम लोगों को गर्मी लग रहा था, धूप धूप से आए थे। कुदरत के करिश्मे देख रहे हो, 10-10 किलोमीटर में क्या मौसम हो जाता है। बारिश और धूप तो अलग बात है लेकिन कुदरत से धूप और 10 किलोमीटर पे बहुत ही ज्यादा ठंड। इसे जो दिख रहा है इसे मैं क्या समझूं, स्नोफॉल या फिर बादल ये तक आ रहा है? अगर वो स्नोफॉल है ना तो भाई बकेट लिस्ट में से एक और चला जाएगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कोमिक। चाय तो जरूर ही पी के जाएंगे लेकिन महंगा बहुत दिख रहा भाई। राजमा राइस 150, मोमो 200, पास्ता 240, थुक्पा 170, चाय का है भाई।
तो भैया आपको ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बताते हुए क्या मुझे उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने इस 150cc के बाइक को वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज में लेकर आ चुका हूँ और इसका एल्टीट्यूड होगा 16,000, पता नहीं कितना, 16 है, 16,500। तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं रांची से, अरे भरोसा क्यों नहीं, भरोसा हो रहा है। तो इस जगह को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। ठंड इतना ज्यादा है यहाँ कि गोप्रो में अभी भी 60% बैटरी है लेकिन भी पावरिंग ऑफ क्योंकि बैटरी लो है ऐसा लिख रहा है जबकि बैटरी चार्ज है भाई। आय हाय हाय कैसे होगा, एक तो गोप्रो बार बार बंद हो जा रहा है, गलत रास्ते में मैं चला गया था। कॉमिक हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड 15,050 feet। तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खराब रोड है भाई। तो हमें दिख रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है काफी ज्यादा ऑफ रोड है और मौसम इतना ठंडा, अभी इतना ठंडा है विंटर की कल्पना करो आप क्या सिचुएशन होता होगा। कब पहुंचेंगे भाई, सामने दिख रहा है सब कुछ लेकिन उस जगह पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे। ठंड से हालत खराब है, यहाँ के लोगों को तो पूरा साल भर ठंडा ही लगता हुआ, थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है। घर के ऊपर क्या रखा हुआ है वैसे, मेरा गोप्रो खुद ही डेड हो जा रहा है। तो भैया एक और न्यूज, अपने हम इस 150cc के बाइक को गुड्डू भैया वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लेके आ चुके हैं 14,567 feet द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और गोप्रो खुद ही खुद ऑफ हो जा रहा है, बैटरी लो क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है। सबने अपने लिए पोस्ट कार्ड खरीद लिए, इसको हम भेज सकते हैं नीचे वहाँ पोस्ट ऑफिस है लेकिन बहुत सारे हमसे पहले जो आ चुके हैं उन्होंने बताया है भेज तो देते हैं लेकिन पहुंचता नहीं, अगर बहुत ज्यादा तब तो भेजना हम भी चाहते थे क्योंकि जब यहाँ से जाएगा ना एक स्टाम्प लग के जाएगा यहाँ से कि वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से ये जा रहा है लेकिन जाता ही नहीं है, इसलिए हम खुद ही जाके दे देंगे उन्हें। भैया जी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो पहुंच गए हैं, बहुत खुशी हो रहा है पर ठंडा बहुत लग रहा है बाबा। भारतीय डाक विभाग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते थे लेकिन मुझे पढ़ने में ज्यादा खुशी हो रही है। 14,567 feet की ऊंचाई पे है, 3 meter 4440 meter और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और यहाँ हम अपना कार्ड तो पोस्ट करना चाहते हैं। अच्छा पोस्ट करने का क्या क्या रूल क्या है, पीछे सच में हम पोस्ट करेंगे, मजाक नहीं कर रहे। इतना सारा कुछ है ना, अंदर में स्टैंप मिलता है ये भी बंद है इसीलिए, और तो अभी ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे नहीं कर सकते वहाँ पे स्टैंप वहाँ पे। अरे यार और सारे लोगों से तो मैंने सुना था कि पोस्ट पहुँचता नहीं है लेकिन मैं करना तो चाहता हूँ, बंद है अभी, अगर खुला होता मैं जरूर भेजता, जाता कि नहीं जाता ये खुद का एक्सपीरियंस होता ना, इसलिए मैंने दो लिया था मेरे खास के लिए ये दोनों, एक मैं भेजना चाहता था और एक मैं जाके देता। खैर कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे दोबारा भेजेंगे। ये वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस अब जाने का टाइम हो गया, उधर स्नोफॉल हो रहा है लेकिन हमारे पास नहीं हो रहा है पर क्या ही करें। ओ भाई साहब ठंड तो बढ़ते ही जा रही है और सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना सीरियसली वहाँ स्नोफॉल हो रहा है भाई, कड़क ऑफ रोड है, पार तो करना ही है किसी भी तरह। अगर आप इतना दूर आए और अगर आई लव स्पीति के पास सेल्फी नहीं ली है ना मजा नहीं आएगा। तो डिनर हमारा आ चुका है बहुत ही बेहतरीन जगह पे, जी मजा आ गया, खाए भी नहीं और मजा आ गया, मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है। ये राकेश भैया का स्टाइल जैसा लग रहा है। बात ऐसा है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनिए कुछ करिए नहीं करिए, जोमसो हॉलीडे टूर्स एंड ट्रेवल करके एक इंस्टाग्राम पे पेज है, फटाफट जाके उसको फॉलो कीजिए। याद रखिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो जोमसो स्टे वहाँ पे था, समझ गए, बाय, लव यू, लव यू। मजा आ गया।